8 शहर से चुनके अली 32 भौजी हर हफ्ता 4 गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वीक और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1 प्यारे भाइयों और भाभियों रउआ सभी लोगन के प्रियेश सिन्हा के प्रणाम बा नमस्कार बा बहुत बहुत स्वागत कर रहा बानी रउआ लोगन के राउर खास और चहेता प्रोग्राम भौजी नंबर 1 सीजन 7 में। देखी राउर लोगन के मोहब्बत से हमार आँख में कभी कभी आंसू आ जाला और जब हमरा कोई बहुत ज़्यादा प्यार करेला तो हमारा जुकाम भी हो जाला, लेकिन ये राउर लोगन के प्यार बा और ये प्यार हमने के तहे दिल से कबूल बा। हर भौजी लोग हमार तो ख्याल बा कि हर इंसान एक आर्टिस्ट होकेला और ये अपने आप में एक आर्ट है और जे आर्ट के निभाई वो आर्टिस्ट। आज एक बार फिर से चारों भौजी लोग एक नया किरदार में वो आर्ट के निभाए वाला बा लोग, यहाँ मंच पे वो प्रतिभागी बन के आयल बा लोग। आज का करे वाला बा लोग का होई वो तो सामने बढ़ले बा, लेकिन ओकरा से पहले हम लोग याद दिला दी कि पिछला दिन भौजी ऑफ द डे बनल रही शिखा सिंह जी। तो चारों भौजियन के भरपूर तालियों में हम सबसे पहले स्वागत करके चाहें जोरदार तालियां। भाभी लोगिन कैसन बानी? एकदम बढ़िया। मजा में? मजा। दूसरा दिन बाद ठीक ना? हाँ। तो इसे दूसर दूसर कलर में दूसर दूसर ड्रेस में रोगा लेकिन तैयार क्या आयल बानी? हाँ। उस तैयारी के अलावा लेकिन कौन सा तैयारी और करके आयल बानी? उ जांचेला उ परखेला हमने के साथ हमने के पारखी जज लोगन के साथ बा। राव लोगन के भरपूर तालियों में स्वागत करें हम लोकगीत के मशहूर गायक गोपाल राय जी। भरपूर तालिया सुप्रसिद्ध अभिनेत्री संगीता तिवारी जी ला और जोरदार तालियां भोजपुरी के स्टार निर्देशक राजकुमार आर पांडे जिला और हमनी के सेलिब्रिटी गेस्ट, बहुत जोरदार तालियां हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट कानू मुखर जिला। गाना हमनी के खुद गोपाल जी से सुने के मौका मिले वाला बा, तो बहुत सारी तालियों में गोपाल जी के स्वागत बा। अरे बगे पूरवैया रे नदी बगे पूरवैया रे नदी आ पवनवा करे जाका जो के राजा जी के तोरल हो और सैया जी के तोरल के दर दिया सैया जी के तोरल दिया दर दिया होले बड़ी जोर राजा जी के तोरल दिया दर दिया होले बड़ी जोर राजा जी के तोरल दिया बहे पून मई जाने नदी बहे पून बही जाने नदी पवनवा झकने जो पवनवा झकने जो राजा जी के तोरल दिया हर सैया जी के तोरल दिया दर दिया बोले बड़ी जोर सैया जी के तोरल दिया दर दिया बोले बड़ी जोर राजा जी के तोरल दिया। क्या बात है Thank you.
सोना ना ना दागा सोना सोना ना ना दागा अरे माना बचनिया मो माना बचनिया मो रगरी के पीसना हरदिया अरे रगरी के पीसना हरदिया तारा दिया होले बड़ी जो रगरी के पीसना हरदिया तारा दिया होले बड़ी जो राजा जी के तोर लगे बागे पूना भैया ने नदी बागे पूरा भैया ने नदी पावनवा झकरे झो पावनवा झकरे झो राजा जी के दूर लगे अरे सैया जी के दूर लगे तारा दिया होले बड़ी जो सैया जी के दूर लगे तारा दिया होले बड़ी कमाल जोरदार जय जय पूरा मंच एक जगह इकट्ठा कर देले बानी रहुआ ई काबिलियत ई जादूगरी सिर्फ गोपाल भैया में बा बहुत जोरदार प्यार और मोहब्बत हम चाहते हैं कि सब लोग अपन अपन कुर्सी पर विराजमान हो जाएं बहुत जोरदार तालियों में सभी जनों के शानदार गीत भइल और भोजन के भी बता दी रवा सभी लोगों के भी बता दी कि गीत बहुत अच्छा चीज होखेला और बॉलीवुड में एगो गीत बनल जे बेहद जरूरी और सबसे हिट गीत बा चाहे वो कोई भी चैनल हो के कोई भी प्रोग्राम हो के ओकराला बॉलीवुड के सबसे हिट गीत तो ई हिट गीत गा के हम तुरंत वापस आ रहल बानी और फिर मस्ती के ई सफर जारी रही बनल रही हमने के साथ देखत रही भौजी नंबर वन सीजन भौजी नंबर वन आज दूसरा हफ्ता के दूसरा दिन में हमने के बानी संचार भोजन के साथ में और ये पूरा महफिल सजलवा राजकुमार आर पांडे जी संगीता तिवारी गोपाल राय जी और कानू मुखर्जी के साथ हमने के बानी सन और दूसरा राउंड में प्रवेश करे वाला बानी सन लेकिन तब हुई प्रवेश जब हमने के पहला राउंड खेल रहे सन पहला राउंड बा गीत से संगीत से मौसीकी से जुड़ल मामला बा राउंड के नाम बा गीत बहार गीत बहार में सोलो परफॉर्मेंस हुई रोवल के गीत गाए के बा और गीत गा के अपन टैलेंट के डंका यहाँ बजावे के बा बहुत सारी शुभकामना दे रहल बानी बहुत सारी तालियों में स्वागत करके चाहे सबसे पहला कंटेस्टेंट सबसे पहली प्रतिभागी जोरदार तालियां पूर्वी जिला राजा तू कह पता हम मर जाए पे तू कह
दूध का दूध, पानी का पानी, बंदी है ये पक्की हिंदुस्तानी है। बहुत बढ़िया, बहुत आला, बहुत ऊंचा दर्जा के परफॉर्मेंस करी है राजकुमार भैया। हम सारे हिल गए थे, हम सारे नाच रहे थे, एकदम झटाकेदार भौजी अब आई हैं, अब लगा है भौजी लोग जाग गई हैं। हमने कहा था ना अगले एपिसोड में आपको जागना पड़ेगा जी, जी। और आज देखिए उसका सबूत है, पहली बार शुरू हुई और एकदम अभी तीनों और आग लगाने वाली हैं आज। बहुत जोरदार तालियां शिखा जिला। और अब गीत बाहर में अगला प्रतिभागी बाड़ी हमने के साथ में ठुमरी भौजी कृष्णा भौजी, देखल जाओ की कागारल बाड़ी, कौन सा गीत तैयार के लिए बनी? रत्ते बलमुआ दिले गाड़ी हूँ। जोरदार ताली के साथ स्वागत है एंकर। रत्ते बलमुआ दिले गाड़ी हो तारे काई के बिना ना, रत्ते बलमुआ दिले गाड़ी हो तारे काई के बिना ना। हर तरह के मिजाज बारा तो माइक हमरा इनाम में दे रहा बनी। अरे प्रतिक्रिया तो सुनिए, एकदम चुलबुली मचा के एकदम स्थिर खड़े होके के नाम नहीं खेलो, इतना खुश बा लोग कि मैंने का करी लोग, मतलब इतना बड़का मंच ही लोग ला छोटा पड़ जा रहा है। संगीता जी, ठुमरी भौजी आपने ठुमका भी बहुत अच्छा लगाया और आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया, तो आपके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक। राजकुमार भैया, ये गाना में जो झटका है, चूंकि हमारे फिल्म के गाना रहे और कानू जी पिक्चराइज के लिए रहने गाना के, क्या और जो झटका पाकी हेगड़े नाम मरले रही भौजी झटका एजा रुआ मार देनी हो ऐसे कहके बलमुआ दिले गाड़ी हो तरकारी के बिना ना, मतलब मार दिया सीधा, तो बहुत अच्छा। और ओवरऑल जो आपका प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था। शुभकामनाओं में रघुआ भेजतनी। तो कृष्णा भौजी जाके माइक दे आई बाड़ी कावेरी भौजी के लिए, हम गा देनी अब रघुआ जाए। तो गीत बाहर में अगला कंटेस्टेंट अगला भौजी चैती भौजी।
दिलकश आवाज, 100% सुपर हिट गायकी, बहुत खूब। आंखों में आंसू भी आ गए बा। भतैया के का हो गए बा भौजी? का हो गए? भाव 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 के वजह से। भाव के बात नहीं बा। जी आंखों में पड़ गए बा। हमार पति देव नहीं बा ना मेरे साथे केव नहीं बा, ऐसे हमें आंख में आंसू आ गए। हमने के सब परिवार का हिस्सा है, हमने के परिवार के बाहर का हिस्सा अपन समझे। सबसे पहले कानू जी से हम शुरू कर देते। हम सोच ही नहीं सकते चैती भाभी इतना अच्छी गाई, वो लास्ट में विदम खत्म एंड पूरा एंड लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड भौजी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गोपाल जी सबसे पहले रुआ से पूछे के चाहें। सबसे पहले तो भौजी के हम गोड़ लगाते नहीं। एक खातिर इतना कठिन गीत, ठुमरी अंदाज के गीत, बहुत बेहद मतलब प्रोफेशनल गवैया भी शायद लोक गीत के एक गा पावे, और वह बड़ी नीक से निभावली है, बहुत बढ़िया गौली है। ढेर सारा शुभकामना। और अब गीत बाहर में आखिरी कंटेस्टेंट बाड़ी कजरी भौजी, रीना जी तैयार बानी, तो फिर आ जाएं और छा जाएं। अच्छा गोली है कि हमारे मन करल पर एकदम एक किलो पकौड़ी छान के रखी आई। बहुत अच्छा गोली है। और पहले तो प्रतिक्रिया ले लेवल जाओ। जी बिल्कुल। सबसे पहले राजकुमार भैया से पूछल जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धमाल वाला। पता नहीं ये कल वाले एपिसोड में थोड़ा मैंने बोला क्या था जी, आज तो मतलब पूरा एकदम गर्दा गर्दा कर दिए सबके सब। ठीक है भौजी लोग, आप लोग ऐसे एकदम चढ़ के जो भी करिए परफॉर्मेंस एकदम दम के करिए, एकदम जड़ के करिए। थैंक यू। संगीता जी आप समझ सकती हैं कि आपने कितना अच्छा गाया है गाना, हम आपके गाने में झूम रहे थे। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद, मजा आया। धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाओं में और तालियों में इंग्राम पोडियम तक भेजा था।
साथ हुई जंग साथ हुई मुकाबला जेमे बहुत प्यार बा जेमे बहुत मस्ती बा बहुत तकरार बा बहुत सारा प्रतिभा के देखावे के मौका मिल रहल बा और बहुत ही मेहनत छिपल बा परिवार के आशीर्वाद के छाव के तले हमनी के बढ़ रहल बा निशान तो बनल रही हमनी के साथ देखत रही भौजी नंबर वन सीजन साथ भौजी नंबर वन और अब चार भोजन के साथ हमने के खेलेगा बा अपन दूसरा राउंड तीसरा दिन बा आज और रेवोल्यून के एक बार फिर से याद दिला दी कि भौजी ऑफ द डे बनल रही पूर्वी भौजी पहला दिन भौजी ऑफ द डे दूसरा दिन बनल रही कजरी भौजी और आज ये लोग के प्रयास बा कि लोग फिर से भौजी ऑफ द डे बनी और चिठुमरी और चैती भौजी वाले ये लोग बिल्कुल चाहत नहीं खेलो कि ये लोग बनो ये लोग के चाहत बा कि ये बार तो हमने के बनी सन कम से कम एक बार दोनों बहन में से कोई एक बार भी बन जाए तो दिल के शांति मिलो घर में चूल्हा जलो बहुत खिसियाल बल हो भीतर भीतर तो ई मौका हम दे रहल बानी अपन अगला राउंड में और राउंड के नाम बा अटकलू त गैलू रानी। तो ई राउंड में चार भोजन लोग के करे के का बा कि ई जो बाउल रखल बा में कलरफुल पर्ची रखल बा ई पर्ची में से एक पर्ची निकाले के बा पिक करके हमरा देवे के बा और ऊ पर्ची पे अगर लिखल हुई टंग ट्विस्टर तो टंग ट्विस्टर के एक मिनट तक बोले के बा एक मिनट में जितना बारी लोग सही उच्चारण करी लोग सही बोली लोग वो हिसाब से ये लोग के मार्किंग हो जाए अगर ये पर्ची में पहेली आ जाता तो हम फिर पहेली देम उ पहेली के रवल उनके बुझे के बा जवाब अगर सही हुई तो जज लोग नंबर दे दिलो ये बात ठीक ना जी, तो जी। सबसे पहले अटकावेला हम तो कोशिश करें अटकावेला लेकिन रवल उनके अटके के नहीं खेल तो सबसे पहला मौका कजरी भौजी के दे रहल बानी बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत बा रीना भौजी के एक पर्ची पीला कलर कौन कलर फेवरेट है राउर सब है सब फेवरेट हम चितकबरा मने फेवरेट हम टंग ट्विस्टर आइल बा टंग ट्विस्टर तो टंग ट्विस्टर रउवाला का बा हम बता दी लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब एक मिनट के समय स्टार्ट हो रहा अब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब बस बहुत खूब बहुत उम्दा एगो रिदम बना देनी हम तो फूलों में हमरा लगल चुप भी हो जाए तो हम एंगे करत रह जाए बहुत बढ़िया बहुत जोरदार तालियां एकरा ला और नंबर का मिलल बा हम बताएं फिलहाल इंतजार करें धन्यवाद बारी बात चैती भौजी के स्वागत बा सीधा सीधा खड़ा हो जाए जी अब कौन कलर बताई कौन रंग पसंद आवेला वे निकाली लाल ये रखा तने कोने में करंट नहीं खे कोने मसाला नहीं खिला के बन के में टंग ट्विस्टर आई बार हुआ टंग ट्विस्टर बोले के बा उड़ी बाप रे टंग ट्विस्टर हुए फिर से सेम बा सुन ली एक बार फिर बोल देता नहीं लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो लपकबे कब एक मिनट का समय स्टार्ट हो रहा बा अब चलिए समय स्टार्ट हो गई बार राउल कीमती समय एक मिनट जीवन में कभी आई लपक अब ना लपक बे तो लपक बे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपक बे तो कब लपक बे लपक बबुलिया लपक कब ना लपक बे तो कब लपक बे लपक बबुलिया लपक अब ना लपक बे तो कब लपक अब ना लपक बे तो कब लपक बे लपक बबुलिया लपक बोली बोली रुकी मत
लपक बबुलिया लपक अब नहीं लपकबे तो लपकबे कब, लपक बबुलिया लपक अब नहीं लपकबे तो लपकबे कब, लपक बबुलिया लपक अब नहीं लपकबे तो लपक बहुत बढ़िया, लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे तो कब लपकबे देखी समय अभी बात 14 सेकंड, दो चार बार और बोल सकता नहीं बोली बोली लपक अब नहीं लपकबे तो और समय समाप्त हो गई बा लपक बबुआ लपक बाबा 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 करते हुए समय समाप्त हो गई बा समय लपका गई बा कितना बार रुआ सही बोलनी है बहुत ध्यान से सुनल गई ला वही हिसाब से नंबर चढ़ावल जा रहा बा रुआ के शुभकामना दे रहा बानी प्लीज पहुंची पोडियम पे ठुमरी भौजी हुए से लपक बबुलिया लपक करके आ रहा है बड़ी अभी टंग ट्विस्टर आइलो नहीं के शुरू बड़ी एक मिनट बोलेगे बाप पांच मिनट नहीं के बोलेगे आई 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 चली स्वागत बाप कौनो रंग जन पसंद बाय में से निकाली देखी का बता किस्मत में का बा फिरोजी लपक लपक बबू बुलिया लपक अब ना लपक बे तो लपक बे कब तो शुरू कर जाओ हमने कहने मुंह घुमा लिया हमने छोड़ दिया हो सांस ले है ना देखी है ना नंबर 19 से मिली है ना घूमी सीधा हो जाए सीधा यहाँ आ जाए पोडियम लगे हाँ तो स्टार्ट कर जाओ समय शुरू हो रहा बा अब चलिए लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे कब लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपक बबुलिया लपक अब ना लपकबे त लपकबे लपक बबुलिया लपक देख करके कपड़ा उतरवा देनी है हुआ बाप रे बाप इतना गर्मी से लपक बबुलिया लपक आज ना लपक के तो लपक में कब एक मिनट के अंदर रुआ जोन खेलनी है और हिसाब से रुआ बहुत अच्छा नंबर के उम्मीद कर सकता नहीं बहुत सारा तालियां एक लाभ शुभकामना अब अटकलू तो गैलू रानी राउंड में आखिरी कंटेस्टेंट बाड़ी पूर्वी भौजी इंकरा बुलाए बहुत जोरदार तालियों के साथ इंकर भेज स्वागत है तीनों आदमी तो टंग ट्विस्टर आएल बा देखल जाओ राउर किस्मत में का आ रहा बा तो उठाई कोनो कलर निकाली पर्ची निकाली आ पहेली आई पहेली बुझे के बा तो बताई धूप देख के मैं आ जाऊं छाव देख कर मैं शर्मा जाऊं जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसी में समा जाऊं ये का चीज है समय शुरू होता है अब धूप देख के मैं आ जाऊं छाव देख के मैं शर्मा जाऊं जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसी में समा जाऊं परछाई जवाब ये गलत बात तनी और ध्यान से सुनी धूप देख के मैं आ जाऊं छाव देख के शर्मा जाऊं जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसी में समा जाऊं परछाई के हवा से कोई ताल्लुक नहीं थे समय पीछे भाग रहा बस 26 सेकंड रुको लगे रहा हवा हवा जी ना ये तो ये मैं खुदे बा जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसी में समा जाऊं
तो हवा भी ना हुई वो हिसाब से। माचिस। माचिस? गलत जवाब बा और सही जवाब बा। कोई गेस, कोई गेस? पसीना। धूप देख के मैं आ जाऊं, छाव देख के शर्मा जाऊं, जब हवा करे मुझे स्पर्श मैं उसी में समा जाऊं। पसीना सही जवाब बा, राउर जवाब गलत भाई। थैंक यू। तो अब ई राउंड यहाँ समाप्त हो रहा बा। राउंड कैसन रहल राजकुमार जी? बहुत मजा आयल और ई भौजी लोगन के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगन के इतना हसनी है सन और सब के उस सेट पर जे के टेक्नीशियन बा हर आदमी हंसत रहा सेगमेंट में। थैंक यू। बन रहे अपने के साथ देखत रहे भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन सीजन में बहुत कुछ नया बा और अभी जो राउंड बा वो भी बहुत नया बा और जो नया ऑडियंस हमने के साथ जुड़ल बा वो लोग के बता दी कि नया राउंड में ये लोग के एक्टिंग करे के बा, चारों भोजन के कुछ ना कुछ एक्टिंग करके दिखावे के बा। राउंड के खूबसूरत नाम रखले बा निशन रंगमंच। रंगमंच में एक सिचुएशन हम लोग के दें और उस सिचुएशन के ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए लोग के तुरंत एक्ट करे के बा। इना के कोई पहले से बतावल बा सिचुएशन के पहले से कोई सोचल के मौका देवल गई बा, सुनना है और बस शुरू कर देना है। ठीक, वो हिसाब से मार्किंग हुई वहाँ पे मार्किंग हुई। तो सबसे पहला मौका कजरी भौजी के दे रहल बानी, प्लीज यहाँ आई। कजरी भौजी के जो हम सिचुएशन दे रहल बानी बा, आपकी जल्दी शादी होने की वजह से आप अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाती हैं जिसका मलाल है आपको, और एक दिन आप टीवी पे भौजी नंबर वन का ऐड देखती हैं और उसमें भाग लेना चाहती हैं, तो आप अपने घर वाले को कैसे मनाएंगी बताएं। अरे आप आ गए ऑफिस से, आज आपको कुछ बताना था। जी बताएं। आज टीवी पे ही मैंने देखा है कि भौजी नंबर वन सीजन 7 का ऑडिशन हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो आप उसमें जाके क्या करेंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप बहुत कच्चा दाल बनाती हैं, चावल जला देती हैं आप, तो जब आप किचन में ठीक से नहीं काम कर पा रही वहाँ क्या करेंगे आप? ऐसा तो वहाँ दाल चावल थोड़ी ना बनाना है, वहाँ पे डांस करना है, गाना गाना है, गेम्स खेलने हैं। तो आप कर लेंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरा लगा होता है, आप कैसे कर पाएंगी? नहीं कर लूंगी मैं, ऐसे भी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाई, मगर इस बार लग रहा है मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं जाना चाहती हूँ। तो ये तो आप मुझे हुकुम दे रही है ना? हाँ, तो आप मेरे को ऑडिशन में लेके चलिएगा। तो आप बताइए आप चलिएगा कि नहीं? कब है ऑडिशन? ऑडिशन तो यही 27 तारीख को होने वाले हैं। 27 तारीख जी पटना में। थैंक यू। तो फटाफट से अब प्रतिक्रिया ले लेवल जाओ। राजकुमार भैया बहुत बढ़िया, और चूंकि ऑडिशन से जुड़ल एगो इनकर एक्ट रहा जी, और बहुत बढ़िया यही तरह से कैसे पटावल जाला पति के, और जब हमनी के ऑडिशन में गए रानी जा तो इस तरह से कई केस आयल रहा ऑडिशन के दौरान भी, कि मतलब वो घर से एक तो भाग के आ गई, पता लगा उनका पति भी पीछे पीछे आया, एक कहाँ घुसी जा रही, और पता लगा कि तो ऑडिशन के लिए जा रही हैं। तो ऐसी घटनाएँ घटी हैं और मुझे लगता है उस घटना का एक बढ़िया सीन उन्होंने किया है, अच्छा किया है। थैंक यू। प्लीज अपने पोडियम तक पधारें। खूबसूरत कमेंट के बाद एक बार फिर से रंगमंच के इस मंच पे चैती भौजी के आमंत्रित कर रहल बानी, देखल जाओ कि इंकरा का सिचुएशन मिल रहल बा। सिचुएशन राउर का बा परिस्थिति, एक दिन आप अपने पति के लिए बहुत प्यार से उनकी पसंद का खाना बनाती हैं और बहुत बेसब्री से उनके ऑफिस से घर आने का वेट करती हैं, लेकिन उनके घर आने पर आपको पता चलता है कि वो बाहर से ही डिनर करके आए हैं, मन में आया है लेकिन सामने आए हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगी? मान ली हम ऑफिस से आ गए नहीं, टिंग टोंग, इतना लेट कर लूंगा के? हाँ आज ऑफिस में बॉस आगे लले तो वह बस बैंड बजा दिले हैं। तो चलिए खाना खा ली। खाना हम बाहर से खा गए नहीं है। बॉस बोले कि बारे खा लियो, लेट हो गई, तो बारे उनके संग बैठे रहुआ ही ना जाना था नहीं, इतना मेहनत से आपके मन पसंद खाना बनानी है और मेरे बाहर से खा के चलिए नहीं, एक बार सोचे नहीं मेरे बारे में कि वो घर में हुई हो, हमारी इंतजार करत हुई है,
हम तो मैसेज तारा कहले रहनी, अब तू मैसेज पढ़बे ना करेलू, हम करी तो का करी। अब का करी, मोबाइल दिन भर देखल करी, दिन भर फेसबुक पर बैठल रहलू, उ देखबू आ मैसेजवा ना देखलू, जरूरत के चीज ना देखबू, बहुत बोले खा लेल, हम का करी। ते हमार कौन गलती बा, हमार कौन गलती बा बताओ, तो मैसेज कह सकेनी, फोन ना कह सकेनी का, ते से घंटी बाजी बॉस संगे बैठल रहले। अरे तो का भल त सब बरे आ गेल तिने कोनो बहाना, तो कौन हम खा केल बन, तब साल भर बात खाएम, उठ हई थोड़ा देर के बाद फिर भूख लागी, खा लेम। तो रउवा ना खाल थमू ना खाए। अच्छा तो चल तारा संगे दुगो रोटी खा ले, लेकिन रोटी जरल ना होके के चाहिए। चली कैसन एक्टिंग भइला जानल जाओ संगीता जी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भौजी है ये हमारी, बहुत ही दिल की साफ है चैती भौजी, बहुत अच्छा किया आपने, आपसे ये उम्मीद नहीं थी पर आपने बहुत अच्छा किया, बढ़िया। गोपाल जी बहुत बढ़िया खेली है वाकई, ऐसे कि खाना बना के इंतजार करो तनी उखा के आयल बने आर के मना के खिया लेनी, उनका के मना के खिया लेनी रहुआ, ये बहुत बड़ बात बा। चलिए रोटियां जरा लाइव, चिंता मत करें। रंगमंच पे अब बुलाएं हम ठुमकते ठुमकते ठुमकाऊ ठुमरी भौजी के। आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहेनी, ठीक ना, सब लोग सास ससुर सब लोग बा। हाँ जी। और हस्बैंड चाहेले कि गर्मी के छुट्टी में पूरा परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पे घूमे जाइल जाओ, और राउर मन बा कि ना खाली पति देव आप बच्चा के संगे चलल जाओ, बाकी लोग के संगे फिर कबो चलल जाई, तो इस सिचुएशन पड़ल बा, पति देव पूरा परिवार के लेके जाके चाहत रहे, रउआ चाहते कि ना खाली रउआ चली आ लड़का लोग चले, बस हम सोच रहे बनी कि पूरा परिवार के संगे कहीं हिल स्टेशन पे बहुत दूर चल जाओ घूमे, का कहता रू जाने मन जी। हम ये कहता नहीं कि ये अचरी बचरी के छोड़ दी, काहे काहे कि अचरी बचरी डिस्टर्ब करी आ हम ही दोनों चलल जाए, हम ही दोनों घूमल जाए प्यार से, अचरी बचरी का डिस्टर्ब प्यार से बोलने में अच्छा ना लगे ना, अचरी बचरी के सामने हम ही दोनों रही तब बढ़िया से घूमल जाए, बढ़िया से मजा ले जाए। ऐसा कोनो बात नहीं कि भैया भाभी सब लोग चली लोग पूरा परिवार जाला तो कहीं कुछ ठगाए के भी डर ना होकेला, और पूरा परिवार खुशी खुशी एक पिकनिक जैसा माहौल रही ना जी। हमर बात सुन ली, हम ना ले जाब अहाँ के आपके परिवार के, हमरा नचरी बचरी के चले के है हमरा संगे, तो अकेले चली। तुम्हारे समस्या का भाई बताइबू तब न, समस्या तब बतैली तो अचरी बचरी के साथ हम ना जाएं आ ना आपके भैया भाभी के साथ जाएं। कौन झगड़ा भइल बा, लड़ाई भइल बा? कोई झगड़ा बा ना, कोई लड़ाई बा ना, लेकिन हम ना जाब उनका संगे तो ना जाए। आ तहार फैमिली के हम बोलेंगे, तहार फैमिली के बोला लोग तो ओकरा लोग के संगे चला जाता, हम ओकरा के तो लिए ना जाए, हम दोनों गरा के मजा करेला तो ओकरा के काहे ले जाए। हम अगर ही कहें कि चलो फिर हमनी के कबो चलल जाई, अभी परिवार के संगे चलल जाओ तो का दिक्कत बा? उन लोगों के साथ हम ना जाए, अकेले जाए। अकेले जाए? हां तो रघुआ जाई, हम परिवार के संगे जाए। कैसा रहल कानू जी से सबसे पहले स्टार्ट कर लिया इस एक्ट को, आप बहुत अच्छे से कर सकती थी क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता था। नहीं छोड़ी ना, पहाड़ जा रहे, कोई मंदिर थोड़ी ना जा रहे हैं, तो सब परिवार को लेके जा रहे हैं, पहाड़ में घूमेंगे फिरेंगे, तो आप समझते बूझते कुछ नहीं ना जी, तो कितना कुछ था इसमें जी, जी, जो आपने नहीं पूरा सिचुएशन दिया गया था यहाँ पे जी, और अच्छा कर सकती थी। आज तो निश्चित रूप से भौजी ऑफ द डे बनेला, चारों में कुछ ज्यादा ही बेसब्री हुई, ठुमरी जी के बहुत मुश्किल से हम शांत कर ले बानी, एक इंजेक्शन और दूगो गोली दे ले बानी, तभी खा के चुप बाड़ी, तब इतना हंस रहल बाड़ी, इंगरा देवे के पड़ेला, घर वाला लोग दे दे के इंजेक्शन वगैरह दे के चुप कराएला लोग, तभी रुकेली ना, तो इनका हॉस्पिटल भी लेके अगर जाए जाओ तो इमरजेंसी वार्ड के सामने हंसे लागे लाइ, डॉक्टर बाहर आ जाला कि भाई क्या हुआ, तो ये बाहर से बोले कि बेटा ही होगा, और संजोग से बेटा भी हो जाला। तो बहुत मुश्किल बा इनका संभालल, तो इनका संभाले में थोड़ा सा हम सबके जोर लगाओ के साथ बनल रही हमने के साथ, देखत रही भौजी नंबर वन सीजन सात, भौजी नंबर वन। और हाथ में रोवा लेकिन देख सकता नहीं, एक कार्ड बा और कार्ड में कुछ नंबर लिखल बा, और नंबर बा ई भोजन के, उ फैसला बा हमारे जज लोगन के, ठीक ना। तो आज के आगे पीछे बा ई बतावे से पहले हम तो देख ले बानी, सब लोग देख ले बा
लेकिन एक बार देखे से पहले रोगा लोगों के बताओ से पहले जज लोगों के पास पहुंचल जाओ और जानल जाओ इन लोग के प्रतिक्रिया। सबसे पहले राजकुमार आर पांडे भैया जी रोगा बताएं। बहुत बढ़िया पहला एपिसोड से नीमन ई वाला एपिसोड रहा है और बहुत बढ़िया भौजाई लोग सब केले बड़ी और हमके लागत था कि आगे भी जो बचल बा आगे एपिसोड उसमें भी ये लोग दमखम दिखाई हैं अपन और एकदम जीत गए हैं। देखिए संगीता जी ये एपिसोड कुल मिला के पूरा ऑल ओवर सब अच्छा रहा और भौजियों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर किसी का मार्क्स कम आया है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे वाला भी एपिसोड है, आगे भी आपको अच्छा करना है तो इसलिए अपना मॉरल डाउन नहीं करना है और इसी को और आगे बढ़ाना है। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या बात है गोपाल जी, गोपाल भाई आज के दिन बड़ी नीक बीतल कारण की गाना बजाना भी रहा है झारे मोहब्बत मौके पे चौका और नंबर के जहाँ तक सवाल बताइ चारों भौजी मिला जुला के बहुत केहू ऐसा नहीं कि ढेर आगे होके केहू बहुत पीछे होके मिला जुला के तनिकी आगे पीछे सब बाटे। बहुत बढ़िया अगला दिन खातिर हमारा तरफ से चारों भौजी लोग के ढेर सारा शुभकामना। यानी कि भौजी ऑफ द डे भइल बाड़ी रीना सक्सेना जी भागलपुर से। रीना जी कुछ कहे के चाहे कैसा लग रहा बा कैसा फील कर रहा बा नहीं? अच्छा लग रहा है बहुत। फर्स्ट राउंड में उतने अच्छे स्कोर नहीं किए थे मैंने मगर आज बहुत अच्छा लगा और सोचा नहीं था कर पाऊंगी मगर क्वेश्चन के आंसर इस राउंड में मैंने अच्छा सा। हाँ तो पिछला बार पूर्वी भौजी रघुआ रानी भौजी ऑफ द डे, ए बार कजरी भौजी रघुआ रानी भौजी ऑफ द डे। अब रघुआ लोग इनके जिम्मा उठावे के बा कि अगला एपिसोड में रघुआ लोग इन भौजी ऑफ द डे बनी। उम्मीद करतानी अपन दर्शकन से कि आज के प्रोग्राम रघुआ लोग इनके बहुत पसंद आयल हुई और एंगे अपन प्यार मोहब्बत बनेले रखी। जाते जाते अपन भौजियन से हम ये कहे के चाहें कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात। तो अपन ख्याल रखी, खुश रहें, खुशहाल रहें। रघुआ लोग इनसे फिर मुलाकात हुई कल यही समय यही चैनल पर। अपन प्यार मोहब्बत में याद रखी प्रियेश सिन्हा के और देखत रहीं भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1।